best challenger for me. Nice. I think Divyam का अभी फिलहाल मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता हूँ. नेवर से नेवर, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ, फिलहाल नहीं करना चाहता हूँ. एंड मे बी समडे, बट अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग बिग बॉस. चैलेंजेस थे हीना, दिव्यंका एंड फैजू. आज फैजू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे फैजू. मुझे लगता है पूरा पैकेज होना वो विनर क्वालिटी है जो कि डीनो में है. डीनो का ऐसा था, उसको किसी चीज़ से डर नहीं था. यू शुड डू ऑल द स्टंट्स वेरी वेल. उसके बाद स्टंट जीता है. और अर्चना बहुत फनी है जैसे सब जानते हैं. उस स्टंट के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे ही उठपटांग करती है. जब मैंने स्टंट किया था मुझे पता था क्योंकि मैंने डीनो का स्टंट देखा था, तो आई न्यू कि उसने फास्ट किया. बेस्ट चैलेंजर फॉर मी. नाइस. आई थिंक दिव्यांका. अर्जित 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 बहुत बढ़िया है. जैसे कि मैंने पहले कहा था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. एंड बहुत मजा आया पूरे शो में, पूरी जर्नी में, स्टंट्स में, वहाँ रहने में सबके साथ 2 महीने. It was a memorable time and it was amazing. Anybody else? आपको कैसे पता नहीं निकला? लास्ट वाला हाइट स्टंट देखो यार, मेरा मैंने पूरा किया है. लास्ट वाला मतलब जो अभी आया है विद हीना एंड किसने, आई थिंक नायरा. मैंने नायरा और हीना ने किया. सो अगर फर्स्ट हाइट स्टंट से लेके यहाँ तक की जर्नी देखे तो काफी हद तक निकला है. मैं नहीं कहूंगा पूरी तरह निकला है, बट पहला वाला जो हाइट स्टंट था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा था. रोहित सर इतना पुश कर रहे थे मुझे एंड मुझे चोटपोट भी लग गई थी, बहुत ज्यादा डर लग रहा था. बट जो अभी हाल ही में आया है एपिसोड, उसमें जो किया है it's been much better. So काफी हद तक निकला है. उन्होंने चॉपर पे स्टंट किया था, जो स्ट्रेंथ चाहिए चॉपर वाला स्टंट करने के लिए. मैंने, उन्होंने और शिव ने, हम तीनों ने आई थिंक सेम नंबर ऑफ फ्लैग्स कलेक्ट किए थे. सो शी वाज अमेजिंग. फैजू भी बहुत ही बढ़िया था एंड हीना तो नहीं कम. आपका कौन सा स्टंट प्राइज दोबारा परफॉर्म करना है? आने वाला है अभी. आई थिंक फिनाले से एक स्टंट पहले था, वो गाड़ी का एक स्टंट था, फर्स्ट कार स्टंट जो मैंने किया था. दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. सो अर्जित, खेला तो आपने भी बहुत अच्छा, आपके हाथ पे भी लग गई थी. हां यार. और मुझे लगता है पूरा पैकेज होना वो विनर क्वालिटी है जो कि डीनो में है. एंड जैसे सबको किसी ना किसी चीज से डर लगता था. मुझे हाइट से था. रश्मीत वाज वेरी गुड इन स्टंट, बट उनको पानी से थोड़ा उनका वो था. अर्चना का भी हाइट से था, ऐश्वर्या का कुछ था, सो शिव का भी पानी से था. तो डीनो का ऐसा था, उसको किसी चीज़ से डर नहीं था. यू शुड डू ऑल द स्टंट्स वेरी वेल. अगर कभी वो स्टंट हारा भी है तो आई थिंक इट मस्ट हैव बीन जस्ट अ बैड डे. तो वो क्वालिटी आई थिंक विनर की होती है कि वो हर चीज़ में पूरा बैलेंस आउट करे. एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू विन. अर्जित, हर शो कुछ ना कुछ सिखाता है, ये शो से आपने क्या कुछ सीखा? इस शो से क्या सीखा है यार, बहुत काम रहना सीखा है. क्योंकि जब आप स्टंट कर रहे होते हो ना, वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है. बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे एक रैम दे दूँ, यहाँ से वहाँ जाने का आप चल लोगे, यही अगर हाइट पे हो तो आप नहीं कर पाओगे. बिकॉज आपके दिमाग में है कि आप हाइट पे हो, जैसे मेरे दिमाग में. सो आई थिंक बींग काम मेंटली एंड कॉन्सेंट्रेट करना, वो मैंने थोड़ा सीखा है. मैंने तो ऐसा नहीं किया कि मैंने रोहित सर का ना सुना, क्योंकि मैंने जैसे कि हाइट के स्टंट्स थे, मैंने अगर थोड़ा सा भी कहीं भी किया है हाइट का स्टंट, वो रोहित सर की गाइडेंस से ही किया है. अगर वो पुश ना करते, हेल्प ना करते, मैं नहीं कर पाता.
एक दो लोगों ने किया था, जो नहीं सुना था उनका अबॉर्ट कर लिया, उनको डांट भी पड़ी, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने रोहित सर की हर बात सुनी। प्लीज द बेस्ट। रूल्स फॉलो ना करना, बिकॉज सेफ्टी टीम आपको पूरा ब्रीफ देती है स्टंट से पहले, सेफ्टी टीम आपको बताती है, डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर हैं नीरज सर, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और अगर आप फिर भी ना सुनो तो वो हमें इसलिए डरते हैं कि आपको ही नुकसान पहुंच सकता है, आपको चोट पहुंच सकती है। सो वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड इतनी मेहनत जाती है हर एक स्टंट को डिज़ाइन करने में महीनों की। अभी वापस शुरू कर लेंगे लोग अगले सीजन में, इमेजिन इट्स अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क। सो मैंने अर्चना के साथ दो स्टंट किए थे और हम वो दोनों स्टंट जीते, तो अर्चना के साथ मजा आया था। शिवा मैंने भी एक स्टंट किया था, वो जीत नहीं पाए, बट मजा आया करने में। स्टंट करने में सबके साथ मजा आता है यार, किसी के साथ आप जीत जाते हो, किसी के साथ नहीं जीतते, किस्मत भी बहुत मैटर करती है उस टाइम। सो बट अर्चना कहूँगा, क्योंकि उसके साथ स्टंट जीता, और अर्चना बहुत फनी है जैसा सब जानते हैं, उस स्टंट के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे ही उठपटांग करती है और हंसी आ जाती है। सो यार आपका नाम तो बिग बॉस 17 के भी सुन रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है आप बताइए। डिड यू गॉट एन ऑफर और अप्रोच किया गया था या आपने बना दिया? अभी फिलहाल मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता हूँ, नेवर से नेवर, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ, फिलहाल नहीं करना चाहता हूँ, एंड मे बी समडे, बट अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग बिग बॉस 17। उनके फादर के साथ हुआ था, तो वो देख के बहुत बुरा लगा मुझे, एंड इट्स समथिंग वेरी पर्सनल टू हर, एंड आई होप शी इज टेकन अ स्टेप। इंजर्ड हो गई थी, तो वो रेस से बाहर हो गई, बचे मैं और डीनो, हम दोनों ने स्टंट कंप्लीट किया, उन्होंने मुझसे फास्ट किया, सो आई डोंट नो मे बी स्पीड। जब मैंने स्टंट किया था मुझे पता था, क्योंकि मैंने डीनो का स्टंट देखा था, तो आई न्यू कि उसने फास्ट किया। बेस्ट चैलेंजर फॉर यू लास्ट? बेस्ट चैलेंजर फॉर मी, नाइस, आई थिंक दिव्यांका, या शी इज वेरी टफ। लास्ट मैसेज टू योर फैंस? फाइनली ये जर्नी हमारी खत्म होने वाली है, 14 अक्टूबर को फिनाले है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है, दोनों चीजें देखना, एंड thank you for all the love, thank you, thank you, thank you, thank you.